रहीम, मेरा नाम यासिर अरफात है, वर्किंग एज मैनेजर माइनिंग बेस्ट वे हतार। आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो माइन सेफ्टी एंड रेस्क्यू सेंटर जलोजी वालों ने अरेंज किया, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था क्वेरी वर्कर्स के लिए। वर्कर्स ने बड़ी भरपूर शिरकत की है, उनको उससे बड़ा फ़ायदा भी पहुंचा है जिस तरह उन्होंने इसमें शिरकत अपनी ज़ाहिर की है। तो मेरी एक्सपेक्टेड से भी और रेस्क्यू सेंटर की टीम से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू रखें ताकि जो सेफ्टी और बाकी चीज़ें हैं ये हमारे वर्कर्स के लिए इनकी रिफ्रेश होती रहें। तो मैं रिक्वेस्ट होगी कि ये इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें। थैंक यू। मेरा नाम फरहान गुल्ला खान है, मैं डिप्टी मैनेजर हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट हूँ। मैं इंस्पेक्ट्रेट ऑफ माइंस बेस्ट फॉर मैनेजमेंट, इन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने माइंड सेफ्टी पे कितना अच्छा सेशन और एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया, हम लोगों को आगे ही दी ताकि हम लोग इस सब्जेक्ट के हवाले से अपने स्टाफ को बता सकें और अपने इदारे और अपने मुल्क के लिए सेफ्टी का ख्याल रखें। थैंक यू। मैं एज ए माइनिंग में हूँ, क्रशर ऑपरेटर। यहाँ पर बहुत अच्छी मीटिंग हुई आज सेफ्टी के बारे में, जहाँ से ये हमारे सेफ्टी इंजीनियर वगैरह आए हैं जो इक्विपमेंट से हैं, बहुत अच्छा माहौल रहा है। उन्होंने हमें हदायत दी हैं किस तरह सेफ्टी करनी चाहिए माइनिंग में, और जो हिसाब किताब है उसमें बहुत अच्छा है। ये सेफ्टी के हिसाब से तकरीबन काफ़ी अच्छी प्रोग्राम रहा है और ये तकरीबन कंटिन्यू होना चाहिए ताकि आवाम जो है ना वो अपनी जानो माल की हिफाजत कर सके। थैंक यू। मेरा नाम कादर बख्श है, मैं असिस्टेंट मैनेजर जवान सीमेंट रिलेटेड हूँ। ये जो आज का ट्रेनिंग सेशन था माइन रेस्क्यू की तरफ से सेफ्टी के हवाले से, ये बहुत ज़रूरी है और अंडरग्राउंड माइन जितनी भी वर्कर्स माइन से रिलेटेड है उनके लिए ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी था और ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से ये सेशन जो है अरेंज हुआ, इसमें हमें अवेयरनेस के बारे में बताया गया, इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे हमारे जो कोलीग्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये एक किस्म की अवेयरनेस है जो वर्कर अंडरग्राउंड काम करते या जो माइन सेफ्टी जो सरफेस में काम करते उनके लिए वो ज़रूरी है ताकि हम जो वर्क करें वो एक सेफ्टी माहौल में करें और ये एक बहुत अहम है।